योगी यूपी ऑनलाइन लोन मेला 2020 पर आवेदन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत अभियान के तहत घोषित उपायों का स्वागत करते हैं। तदनुसार यूपी सरकार पोर्टल पर यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित करना शुरू करेगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए यह ऑनलाइन ऋण मेला स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन्हें वैश्विक ब्रांडों के साथ बदलेगा। योगी ऑनलाइन ऋण मेला योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक प्रमुख बढ़ावा प्रदान करेगी। इससे पहले 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज। यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए राज्य सरकार रुपए साझा करेगी। व्यापार धारकों के साथ लगभग 2000 करोड़। 14 मई 2020 से 20 मई 2020 तक यूपी सरकार क्षेत्र के लिए एक ऑनलाइन ऋण मेला शुरू करेगा, जिसमें लगभग 36,000 व्यवसायिक व्यक्तियों को ₹1600 से ₹2000 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य में योगी ऑनलाइन ऋण मेले के उत्थान के लिए बड़े कदम हैं, जो उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य यूपी राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्प्राप्त करना है, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान गंभीरता से मारा जाता है। नीचे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 आवेदन पंजीकरण फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर है। योजक चिन्ह, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर मुख्य मेनू में मौजूद लॉगिन टैब के तहत आवेदक लॉगिन लिंक पर क्लिक करें, जैसा कि दिखाया गया है। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी सीधे लिंक अधिक राज्य सरकार की योजनाओं के लिए सदस्यता लें। फिर पंजीकरण करने के लिए नव उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लॉगिन, जैसा कि दिखाया गया है, दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर यूपी ऑनलाइन ऋण मेला ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, यहां आवेदक सभी आवश्यक विवरण सही सही दर्ज कर सकते हैं और सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अंत में आवेदक पूर्ण किए गए यूपीएमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेला 2020 आवेदन पत्र के अंतिम जमा के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लोग आपकी ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर सूचना प्राप्त करेंगे। यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सूची, यहाँ यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची है। योजक चिन्ह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक का पहला पेज, बैंक खाता संख्या। यूपीएमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए पात्रता मानदंड। यूपीएमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पहले सभी आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। योजक चिन्ह, एक स्थापित व्यवसाय जो लंबी अवधि के लिए चालू होना चाहिए। तो आपका व्यवसाय न्यूनतम टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से अधिक होना चाहिए, घोषित किया जाना है। 3. ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन और धर्मार्थ संस्थान इस योजना से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। 4. व्यवसाय को ब्लैकलिस्टेड कंपनियों की सूची में नहीं आना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक मान्य पात्रता मानदंड है और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जैसे ही इस यूपीएमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेले का पूरा विवरण बाहर होगा, हम इसे यहां अपडेट करेंगे। ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लाभ। यूपीएमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं। योजक चिन्ह, सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को अपने व्यवसाय में भारी बढ़ावा मिलेगा। पूरी ऋण राशि उनके बैंक खाते में बहुत कम समय में हस्तांतरित की जाएगी। सी, कुल ₹2000 करोड़ ऋण यूपी राज्य को और अधिक आर्थिक रूप से स्थिर बनाएंगे। टी, महामारी के दौरान उत्पादों का आयात बंद हो जाता है, इसलिए स्थानीय व्यवसायों के पास एक शानदार अवसर है। यूपी स्थिति की आधिकारिक लॉन्च ऑनलाइन ऋण मेला 2020 ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करें।
के लिए मेला के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 14 मई से शुरू होगी और 20 मई 2020 को समाप्त होगी। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले दिन 36,000 उद्यमियों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है। यह एमएसएमई ऑनलाइन ऋण उन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे सरकार ने टाई अप किया है, तो इससे परेशानी मुक्त ऋण सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह मेगा यूपी ऑनलाइन ऋण मेला योजना एमएसएमई की बड़ी संख्या में मदद करेगी और इसके अनुसार राज्य के लोगों को लाभान्वित करेगी। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी सीधे लिंक अधिक राज्य सरकार की योजनाओं के लिए सदस्यता लें।